अब सारा उम्र गमा दिए हैं तो बुढ़ारे में कहाँ जाएंगे धान रोपने। तेजस्वी यादव अच्छा काम करते तो जेल जाने का नौबत होता है। 24 घंटा डिलीवरी के पीछे लगे रहते हैं तब जाके 300 रुपया मिलता है, उससे क्या होगा? बच्चा के पढ़ाई लिखाई हो जाएगा? नहीं होगा। अब हम यानी दिन रात 24 घंटा रहते हैं, महीना में 2 गो डिलीवरी तो 300 रुपया मिलता है। बताइए नितीश कुमार जी, 300 रुपया हम लोग का पर्सा पर मिलता है तो सिलेंडर 1250 में मिल जाएगा? वो सब सब खत्म है, कोई नहीं अब तक ध्यान दिए। हम लोग का समय काम करते करते लॉस हो गया। मोबाइल पर भी करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, क्या अंधा बनल है कि कान में तेल लेके बैठल सरकार है? तो आप लोग अब गुस्सा में हैं, तो का है गुस्सा में? तो गुस्सा में है, भूखे प्यास से काम करेंगे कि काम के लिए दाम चाहिए, कमीशन के बदले हम लोग के वेतन चाहिए। अच्छा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आपको पता हो कि जब गांव में देर रात को प्रसव पीड़ा किसी महिला को होती है तो वो सबसे पहले आशा कार्यकर्ता को बुलाते हैं और आशा कार्यकर्ता फिर उनको सरकारी अस्पताल लाते हैं और फिर जो प्रक्रिया होता है वो होता है। लेकिन पिछले 12 तारीख से जितने भी बिहार के आशा कार्यकर्ता हैं वो हड़ताल पर हैं। वो क्यों हड़ताल पर हैं, वो क्यों बिहार सरकार से नाराज़ हैं, क्यों लगातार एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि दर्जनों के संख्या में जो आशा कार्यकर्ता हैं इस्लामपुर के, वो लगातार पिछले 12 तारीख से जितने भी काम होता है इनका वो बाधित किए हुए हैं। क्यों बाधित किए हुए हैं आशा कुछ कार्यकर्ता, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। आगे आ जाइएगा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, रेखा देवी। रेखा जी, काहे हड़ताल किए हुए हैं, मतलब कि ताला वाला लगा दिया गेट में? जी, इसलिए हड़ताल किए हुए हैं कि हम लोग के प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, कमीशन के बदले हम लोग के वेतन चाहिए। अच्छा, पहले आप लोग को कमीशन मिलता है? जी, कमीशन मिलता है, तो कमीशन से हम लोग के क्या होता है, महंगाई में कमीशन कुछ है? कितना मिलता था पहले? 4 काम 8 काम जो काम जैसे करते हैं ना वैसे उसी का पैसा मिलता है, इससे नहीं कुछ पैसा। काम क्या क्या होता है आप लोगों का? काम होता है किस्म का काम है, गर्भवती महिला को जाँच करवाना, गर्भवती को देख रेख करना गाँव में, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रसव करवाना, ऑपरेशन करवाना, डिलीवरी सबको देख, बच्चा जच्चा को देख रेख करना, मनो गांव के बूढ़ा से बड़ा से जवान सबको देख रेख, इलाज के लिए हम ही लोग पर सौंपा गया है। अच्छा, आप लोग पे सौंपा गया है तो आप लोग अब गुस्सा में हैं, तो का है गुस्सा में? तो गुस्सा में है, भूखे प्यास से काम करेंगे कि काम के लिए दाम चाहिए। तो इतना दिन से भूखे प्यास से काम कर रहे थे? हाँ, भूखे प्यास से कर रहे हैं, तब ना आज उतरे हुए हैं हम लोग सब आशा कार्यकर्ता पूरा इस्लामपुर प्रखंड के लिए यहाँ पे, इसलिए उतरे हुए हैं कि हम लोग के 4 काम प्रोत्साहन राशि पर हम लोग के पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए 1000 प्रोत्साहन राशि नहीं, हम लोग 18000 मानदेय होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि आप लोग परमानेंट वेतन की मांग कर रहे हैं? हाँ, परमानेंट वेतन हम लोग का होना चाहिए। कहाँ कहाँ तक आवाज उठाने के लिए जाएंगे? पूरे स्वास्थ्य मंत्री, पूरा देश में, पूरा एकदम देश में जाइएगा आवाज उठाने के लिए। हाँ, दिल्ली बिहार, नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री तेजस्वी हो, तेजस्वी अभी स्वास्थ्य मंत्री अकुन तो हनी समन के, वो सब सब खत्म है, कोई नहीं अब तक ध्यान दिए। हम लोग का समय काम करते करते लॉस हो गया। तो आप मतलब कि आधा जीवन बिता दिया आशा? हाँ, लेकिन अभी तक कोई असर प्रभाव उन लोग का नहीं पड़ा। पूरे बिहार के आशा कार्यकर्ता आशा में है कि हम लोग को वेतन मिलेगा तब अब हम लोग काम करेंगे। काम मांगे चाची? हम लोग के मांग है कि कम से कम आजकल के युग में रोज 200-400 बच्चे के पीछे खर्चा हर इंसान के घर में है। अब हम यानी दिन रात 24 घंटा रहते हैं, महीना में 2 गो डिलीवरी तो 300 रुपया मिलता है, उससे 300 रुपया से हम यानी महीना में अगर 4 डिलीवरी तो 1200 से हम लोग क्या बाल बच्चा पाल ले सकते हैं? नहीं, हमको लिए इसलिए कि हम लोग के 18000 के मानदेय के रूप में स्वीकार करें कि बाल बच्चा के अच्छा से पालन पोषण पढ़ा लिखा सकेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, तो सरकार यहाँ पे जैसे कि यहाँ तो स्वास्थ्य यहाँ पे चिकित्सा प्रभारी बैठते हैं, तो उन लोग आप लोगों को मतलब कि कैसे हेल्प कर रहे हैं? उन लोग अभी भी इंजर साड़े कि हम लोग आ रहे काम में करावेंगे, लेकिन बोले कि सर आप लोग से लड़ाई नहीं है, हम लोग के ऊपर से लड़ाई है, आप चुपचाप रहिए, यहाँ काम के विलम्ब करेंगे, सरकार के कुछ तो दया आवे, कुछ तो कृपा आवे हम लोग पर, कुछ पैसा के अथी में बारे में विचार करे। तो बोले कि हम लोग के भी तुम लोग पर मानता है, तो हम कहे मानता है तो आप बैठिए, आप लोग जैसे हम कह सकिए CS के सगरो तो लेटर पड़ल है, हम लोग जितना दिन अंथाई लड़ रहे हैं जीतेंगे, जब जीतेंगे तो हड़ताल। अच्छा, कोई समय नहीं
रहे हैं कितना दिन तक बैठे? जब तक हम लोग जितना ही जब तक अनिश्चित इसी तरह रहे। अच्छा, मतलब कि जितना दिन में सरकार बात माने? हाँ, जितना दिन में सरकार मान दे के हम लोग का मांग ले लेंगे, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अब सरकार मांग ना लेती है तब? नहीं लेते, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, एकदम हड़ताले पर जाएंगे। हम लोग सरकार रात दिन खटवाए, लेकिन कोरोना भत्ता 10,000 के गज के फिर भी नहीं दिए। एक रुपया तक ना, 2019 से रुपया केंद्र सरकार गछ है कि 2,000 रुपया दे रहे हैं 4 गो रजिस्टर पर। वो प्रोत्साहित में कर दिए, वो भी नहीं मिला उन 2019 से। और जो केंद्र राज्य सरकार की है 1,000 रुपया, वो भी कहें कि मानदेय के रूप में दे रहे हैं, वो भी पारितोषिक में डाल दिया कि 4 काम रहेगा तो एक काम घट जाएगा, तो हम लोग को 1,000 गायब हो जाएगा। 4 काम कुछ कुछ बताए थे, टीकाकरण है, एनसी जांच है, परसव है, आशा दिवस है, हम लोग को 4 काम हो रहते भी मनमाउजी, मतलब यहाँ काट लिया जाता है, हम सब काम करते हैं उसके बावजूद मौजूद भी काट लिया जाता है यहाँ ऑफिस से। अच्छा, आप लोग का समय सीमा क्या होता है, कितना देर काम करते हैं? 24 घंटे काम करते हैं, रात अधरात का कोई टाइम टेबल नहीं है। जखनी हम लोग के बुलाहट होता है, जिस टाइम में अगर गांव में कुछ काम आ गया है तो उसी टाइम में हम लोग मौजूद रहते हैं। मतलब कि जब भी आप लोगों को प्रसव पीड़ा हो, कोई महिला फोन करे, कोई परिजन फोन करे, उस वक्त आप लोग मतलब कि उस टाइम में भूखे प्यासे भी हम लोग को आना है तो आना है, साथ में डिलीवरी को ले करके 24 घंटा डिलीवरी के पीछे लगे रहते हैं, तब जाके 300 रुपया मिलता है। उससे क्या होगा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोग के मानदेय चाहिए और वो भी 18,000 मानदेय चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग कमीशन नहीं, हमको 10,000 का मानदेय चाहिए। अच्छा, सरकार पे कितना विश्वास है जाची, मांगेंगे आप लोग के मांगों को? हम लोग के कमीशन से नहीं कुछ होगा, महंगाई के अनुसार हम लोग को वेतन चाहिए। महंगाई के अनुसार आप लोग को वेतन चाहिए? हाँ, वेतन चाहिए। सरकार पर हम लोग का विश्वास एकदम उठ गया, ये सरकार नहीं चाहिए, अभी सरकार बदलना चाहिए। तो आप ही लोग ने वोट दिया था तो सरकार बना? अभी नहीं वोट देंगे, अभी नहीं वोट देंगे। स्वास्थ्य मंत्री आप लोग के कौन है अभी? मंगल पांडे? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आप लोग के क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन लोगों तक आवाज कौन पहुंचाएगा? आप लोग तो इस्लामपुर में यहाँ पड़ी कर रहा है खाली, उन लोग तक आवाज मीडिया वाला पहुंचाएंगे ना? हम लोग तो मीडिया वाला के ना पास देते हैं आवाज, तो मीडिया वाला ना पहुंचाएंगे? अच्छा, हम लोग मोबाइल पर भी करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, क्या अंधा बनल है कि कान में तेल लेके बैठल सरकार है? मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव के? तो नहीं, कैसे बनेगा? जब हम लोग मानदेव नहीं करेंगे तो नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे, बनेगा तेजस्वी यादव? अच्छा काम करते तो जेल जाने का नौबत होता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने के प्लान देखी था? खून खौर भूल जाए, नहीं भूल जाए, ये अंतिम वोट आप उसको बनाया गया है था, अब नहीं। क्या कहेंगे चाची, क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग है? वेतन मांग है। कितना? 10,000। 10,000 केरो 18,000 चाहिए, केरो 10,000 चाहिए। अच्छा, 18,000। कहाँ घर है? भागवतपुर। भागवतपुर मतलब कि आप लोग सब इस्लामपुर के गांव के रहने वाले हैं ना? आप लोग टोटल कितना आशा कार्य करते हैं पूरे इस्लामपुर? 200 आशा है। 200 है, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहे हैं 25-30, तो मतलब कि आप लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं? हाँ, शिफ्ट में काम करते हैं। हाँ, रात ड्यूटी, दिन ड्यूटी, 24 घंटा ड्यूटी है। रात में भी रहते हैं? 24 घंटा मतलब कि अस्पताल में आप लोग धारणा दिए हुए हैं 24 घंटा, रात दिन हम लोग रहते हैं। 25-25 का सीट बंधा हुआ है, सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक के 25, फिर 12 बजे से 6 बजे तक के 25, फिर रात में अति 50, ऐसे करके है। अच्छा, कल हम वार्तालाप कर रहे थे यहाँ के एक अधिकारी से, तो बोल रहे थे कि आप लोग ताला लगा दिए थे किसी कार्यालय में। क्यों नहीं लगाएंगे, वो उसी पर तो पैसा मिलेगा, बताइए। ताला एक दिन के लिए लगाए तो हम लोग के ताला काट दिए और अपना डबल ताला लगा दिए है प्रभारी सर, तो हम लोग आखिर नहीं रोकेंगे? नहीं हम लोग टीकाकरण रोकेंगे तो हम लोग के प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगा? चाहे नहीं प्रोत्साहन राशि मिलेगा तो कम से कम वेतन में होगा ना। अच्छा, अभी तो आप लोग हड़ताल पे हैं। हाँ। अभी मान लिया जाए किसी गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा होता है तो वो कैसे आ रही है?
वो अपने इच्छा से आवेगी, नहीं तो जहाँ जहाँ जाएगी। हम लोग तो अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग बैठे हुए तो आप लोग को वो भी पैसा नहीं मिल रहा होगा? नहीं, कोई वेतन पैसा नहीं। हम लोग के काम के बदले दाम मिलता है, काम करते हैं तो दाम मिलता है, नहीं काम करते हैं तो दाम नहीं मिलता है। इसीलिए ना हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग के 24 घंटा भी उपलब्ध रहते हैं तो हम लोग को मानदेय चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, सरकार को गुस्सा है तो सबको हटा देगा कि नहीं फिर से बहाल वाला है या नहीं है? ऐसा सरकार के हम लोग चूर देंगे लेकिन हटने वाला नहीं है। सरकार को चूर देंगे लेकिन ये लोग नहीं हटेंगे हैं। 14 साल 15 साल काम कर लिए हैं, अब सारा उम्र गमा दिए हैं तो बुढ़ाने में कहाँ जाएंगे? धान रोपने पेंशन चाहिए, पेंशन हम लोग के रिटायरमेंट चाहिए। कहाँ घर है दादी आपका? घर मेरा चंदारी है। चंदारी घर है जी। सरकार से क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है सरकार से? उम्मीद तो हाँ, उम्मीद तो वही बना के रखे हैं कि हम लोग को जो मेहनत करते हैं हम लोग को हकीकत मजदूरी चाहिए। हम लोग को भी बाल बच्चों को शौक है कि जरा सा बढ़िया कपड़ा पहने, जरा बढ़िया स्कूल में पढ़े, तो क्या होगा? हम लोग को तो भाड़ो नहीं पूर्ति होता है, खुद को पेट नहीं भरता है, तो बच्चा को क्या आगे निकालेंगे? तो बोलते हैं कि पैसा मिलता है प्रसव लाते हैं तो 300 में क्या होगा? 300 में तो अभी एक बार होटल में बैठ के खाइएगा ना तो पेट नहीं भरेगा। 1200 का सिलेंडर मिल जाएगा, 300 में 1200 का सिलेंडर मिल जाएगा। बताइए नीतीश कुमार जी, है ना? हाँ बताइए नीतीश कुमार जी, कि 300 रुपया हम लोग का प्रसव पर मिलता है तो सिलेंडर 1250 में मिल जाएगा। मान लीजिए कि 5-6 गो प्रसव हुआ पूरे गाँव में एक महीना जी, महीना में एक हुआ एक नहीं हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि महीना में प्रसव हो ही रहा। मतलब आप लोग यहाँ पे कितना दिन से तैनात? हम लोग यहाँ से 2006 से हैं। 2006 से लगातार जैसे तैसा काम कर रहे हैं? जैसे तैसे लापरवाही नियम काम करवा रहे हैं, मतलब लापरवाही नियम पैसा मिल रहा है। अच्छा, आप लोग रात को आते हैं मतलब कि गांव घर से, तो सिक्योरिटी वगैरह क्या दी जाती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रास्ता में कुछ अप्रिय घटना हो जाए उसका कोई मतलब कोई मतलब नहीं है सरकार से। घटना हुआ है और 2-3 साल हो गया है, बॉली छीन लिया है तेतरिया पुल पर महिला के लाने। यहाँ रहने के लिए पीएससी में आशा के लिए रूम है, सरकार दिया है, हम के साथ सोते हैं। सर बोले कि यहाँ छोटा बिल्डिंग है, वहाँ बिल्डिंग बहुत बड़ा है, आशा के लिए कि नाइट में एगो रूम दिया जाएगा। शशि कुमार, शशि यादव हम लोग के बिहार से आए लीडर, उसको सामने गच है कि एगो रूम देंगे आशा के, फिर भी अभी तक नहीं रूम दिया। यहाँ से 2 साल हो गया। मतलब कि अब सभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इतना बड़ा पीएससी में आशा के लिए एक रूम भी नहीं है, इतना बड़का खाली बिल्डिंग बना दे, खाली बिल्डिंग बना दिए हैं सरकार द्वारा। लोग हम लोग डिलीवरी लेके आते हैं ना, तो जेंसन जो डिलीवरी के गार्जियन रहता है उसका बगल में हम लोग सोते हैं और बैठ के बिहान करते हैं। यहाँ का प्रभारी भी अंधा है और केंद्रीय सरकार भी अंधा है, राज्य सरकार भी अंधा है, प्रभारी भी अंधा है, और आप लोग जैसे तैसे काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सब अंधे हो गए हैं, सब अंधे हो गए हैं, और ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। इन लोगों का जो मांग है, इन सभी के मांगे को आप कैसे सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।